मकदम के तराने गुनगुनाती थी। अभी जिब्रील उतरे भी न थे काबे के मिंबर से, तो इतने में सदा आई ये अब्दुल्लाह के घर से। अभी जिब्रील उतरे भी न थे काबे के मिंबर से, तो इतने में सदा आई अब्दुल्लाह के घर से कि अंधेरे गए और आया उजाला। उजाला भी कैसा अनोखा निराला, दुशंबे का दिन था सहर का उजाला, तो मक्के में पैदा हुआ कमली वाला। कैसे समाज फरमाए, सना ख्वाबा अकीदत मेरा ख्वामा है मुहम्मद का, सना ख्वाबा अकीदत मेरा खामा है मोहम्मद का, सुनो ऐ शौक ये मीलाद नामा है मोहम्मद का, सुनो ऐ शौक ये मीलाद नामा है मोहम्मद का, सुनो ऐ शौक ये मीलाद नामा है मोहम्मद का। कायनात का नूर कब पैदा फरमाया, शुरू से आखिर तक का ये वाकया समाप्त कीजिएगा। समय खुदा ने नूर से अपने जुदा कुछ नूर फरमाया, मोहम्मद मुस्तफा का नूर उसका नाम ठहराया, रहा वो मुख्तलिफ सूरत से अल्लाह की इबादत में, सितारा बन के मुद्दत तक रहा वो बज़्मे खिलवत में, कभी कंदील में पहुंचा कभी ताऊस में आया, कभी दरियाओं में उसने इबादत का मजा पाया। अध्यक्षीय समारोपानंतर दोन प्रार्थना होणार आहेत। सर्वप्रथम मुस्लिम प्रार्थना होईल, त्यानंतर ज्या संत ज्ञानेश्वरांनी विश्वासाठी सर्व जाती धर्म मुस्लिम दुआ होईल प्रार्थना, त्यासाठी मी हाफिज सय्यद पाशा साहब अध्यक्ष जमियत उलमा यांना अशी विनंती करतो की त्यांनी दुआ मुस्लिम प्रार्थना करावी।
अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह ताला ने हम सबको यहाँ पर जमा किया है, और असल में ये प्रोग्राम जो है इतवार का ही रखा गया था, लेकिन कुछ वजह से समझ लो इतवार को कुछ लोग मौजूद नहीं होने की वजह से इसको दो दिन आगे बढ़ा दिया गया। लेकिन हमारे इस मुखेड़ शहर के जो हमारे जो डॉक्टर्स हैं, इनकी इतनी बड़ी कुर्बानी और मेहनत है, ये अपने ख़ुद के दवाखानों को बंद कर हम सबको फ़ोन लगा कर यहाँ जमा किया है। जो आज यहाँ पर हम एकजुट होकर जो जमा हुए हैं, हर मज़हब के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। जैसा यहाँ पर मौजूद है, अल्लाह पूरे मुल्क के अंदर ऐसी शांति और खुशहाली नसीब फरमा दे, आमीन। रब्बना ज़लमना अन्फुसना वइन लम तग़फिर लना वतरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। सारे हज़रात दुआएं करें इंशाअल्लाह। اللهم صل على سيدنا شفينا نبينا مولانا محمد الأمي وعلى آله وأصحابه وعلى وسلم صلوا عليه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أي الله غناكم معاف فرما، أي الله صغيرا كبيرا غناكم معاف فرما، أنجال من أنجال من كتب من فضلت ابن كرم سي معاف فرما. اے اللہ اس زمین پر اس دھرتی پر جتنے لوگ یہاں پر بس رہے ہیں، اے اللہ ہم سب کو امن اور شانتی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، ملک میں شانتی اور خوشحالی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ جن لوگوں نے یہاں پر حصہ لیا ہے ڈاکٹر لوگوں نے، اے اللہ ان کو صحیح اس کا بدلہ نصیب فرما، ان کے دل کے اندر یہ اتفاق و اتحاد، ملک کے اندر امن و شانتی کے ساتھ لوگ رہے، یہ ایک زندگی خوشحالی کی گزرے۔ اے اللہ ان کے یہ محنت کو اللہ تو قبول فرما، ان کے اولادوں کو نیک صالح اولاد بنا۔ ہم جمع ہونے والے جتنے یہاں پہ لوگ جمع ہیں، اللہ سب کے جائز تمنا کو قبول فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل کرم سے جناب رسول اللہ تعالی مدینہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے میں قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔ धन्यवाद हाफिज साहब। यानंतर संत ज्ञानेश्वरांनी सर्व विश्वासाठी मागितलेलं पसायदान, जे की सर्व धर्मासाठी लागू आहे, अशा पसायदानाने या कार्यक्रमाचा समारोप होईल। आता विश्वात्मके देवे येणे वाग्यज्ञे तोषावे तोषोनी मजद्यावे पसायदान हे जे खळांची व्यंकटी सांडो तया सत्कर्मी रती वाढो भूता परस्परे पडो मैत्र जीवाचे दुरितांचे तिमिर जावो विश्वस्व धर्म सूर्ये पाहो जो जे वांछील तो तेला हो प्राणी जात वर्षत सकळ मंगळी ईश्वर निष्ठांची मांदियाळी अनवरत भूमंडळी भेट तू या भूता चला कल्पतरूंचे आरव सज्जन सोय रे हो तू किं बहुना सर्व सुखी पूर्ण होवुनी तिहि लो।
नूरे मुस्तफा पेशानिए आदम में पहुंचाया। दिया फिर हुक्म हूरों को सभी जिन्नों फरिश्तों को, पाए ताजीम फौरन सामने आदम के झुक जाओ। बहुक्मे किबरिया सबने झुका दी अपनी पेशानी, मगर इबलीस ने ये बात खालिक की नहीं मानी। नतीजा ये दिया अल्लाह ने उसको बगावत का, नतीजा ये दिया अल्लाह ने उसको बगावत का, नतीजा ये दिया अल्लाह ने उसको बगावत का, नतीजा ये दिया अल्लाह ने उसको बगावत का। निकाला खुल्द से डाला गले में तो बुलाना, अल्लाह ने उसको बगावत का। आदम का पुतला जब तैयार हो गया, अल्लाह तबारक व तआला ने सब फरिश्तों को हुक्म किया कि आदम को सजदा करो, लेकिन सबने सजदा किया, इबलीस ने नहीं किया। अल्लाह ताला ने उसको लानत का तौक दिलवा कर प्राण दरगा कर दिया। उसके बाद क्या होता है समाज फरमाए। सभी मखलूक से दर्जा बड़ा आदम का ठहराया, दिया ताजे खिलाफत फिर उन्हें जन्नत में पहुंचाया। कहा आदम से सारी नेमतें जन्नत की तुम खाना, मगर एक शजरे गंदुम तक कभी हरगिज नहीं जाना। अगर लग्जिश हुई तुमसे तो खिलअत अपनी ले लेंगे, यकीन जानो तुम्हें जन्नत में हम रहने नहीं देंगे। सुकूनों चैन से जन्नत में जब रहने लगे आदम, तो फिर डसने लगा उनके लिए तन्हाई का आलम। कहा आदम ने या रब खूब है गुलजार जन्नत का, मगर तन्हाई के बाइस हमारा जी नहीं लगता। तो फिर आदम की बाई पसली से हवा हुई पैदा, जवां एकदम हुई सूरत में थी लासानियों यकता। खुली जब आंख आदम की उन्हें देखा हुए शैदा, खुदा के हुक्म से बाहम हुआ फिर अब्द दोनों का। बड़े ऐशो मसरत से वो फिर रहने लगे दोनों, बहारे बाग जन्नत के मजे लेने लगे दोनों। हसद की आग ने इबलीस को बेचैन कर डाला, के मैं नारी हूँ आदम ने ये कैसे मर्तबा पाया, के मैं नारी हुआ आदम ने पाया मर्तबा आला। मेरी बर्बादी का बाइस यही है खाक का पुतला,
बहुत कुछ सोच कर इबलीस शैतान एकदम उछला। जलीलो ख्वार हूँ मैं आदम और हव्वा है राहत से, जलीलो ख्वार हूँ मैं आदम और हव्वा है राहत से, जलीलो ख्वार हूँ मैं आदम और हव्वा है जन्नत से, जलीलो ख्वार हूँ मैं आदम और हव्वा है राहत से, किसी सूरत से बहका कर निकलवाऊंगा जन्नत से, निकलवाऊंगा जन्नत।